विधानसभा 2021 चुनाव में अब मात्र कुछ ही दिन शेष रह गया है और प्रयागराज में अपना शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे शिवपाल यादव को लगा बड़ा झटका। जरूर प्रयागराज के उनके पूरे कार्यक्रम में खाली कुर्सियों से उनका सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और उनके बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के कहने पर उन्होंने एक अलग पार्टी का निर्माण किया और समाजवादी पार्टी में फैली अराजकता एवं व्यक्ति विशेषवाद को समाप्त करना उनका लक्ष्य था। लेकिन पार्टी के निर्माण और बड़े भाई के सामने से दूर होने के बाद शिवपाल यादव पूरी तरीके से अलग पड़ चुके हैं और इसका उदाहरण कल की कार्यक्रम या उनकी मीटिंग में देखने को मिला, जहां पर 100 से भी कम लोग मौजूद रहे। प्रयागराज जनपद से ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। तो है ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसा काम करे सरकार जो कम से कम सब लोगों को रोजगार मिले, तब बेरोजगारी दूर होगी। और ये तो निजीकरण करके चले जाए और निजीकरण में जितनी संस्थाएं फायदे की संस्थाएं हैं, रेल था रेल के साथ साथ एयरपोर्ट चले, एशिया में नंबर एक और नंबर दो पर। बताइए नाम तो आप सब लोग जान गए होंगे, बताइए कौन है वो दो पूंजीपति अंबानी अडानी। बताइए 5 साल पहले कभी नाम सुना था? नहीं। अडानी का नाम कभी सुना था? नहीं। आज कौन से स्थान पर पहले एशिया में नंबर।